अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं बना रही हूँ ओरियो आइसक्रीम। तो ओरियो आइसक्रीम बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। हैवी व्हिपिंग क्रीम हमें चाहिए 2 कप। मैंने इसे अच्छे से चिल्ड कर लिया था। वनीला एसेंस हमें चाहिए 1 टीस्पून। कंडेंस मिल्क हमें चाहिए 3/4 कप। पिंच हमें साल्ट चाहिए। ओरियो कुकीज़ हमें चाहिए 5 अदद और कुछ हमें गार्निश के लिए चाहिए। आप चाहें तो ओरियो कुकीज़ ज़्यादा भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन मैं इधर 5 यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक जिप लॉक बैग लूँगी, उसमें ओरियो कुकीज़ डालूँगी और फिर हम रोलिंग पिन की मदद से इसको छोटे छोटे पीसीज में कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको बारीक नहीं करना और ना ही इसका पाउडर बनाना है, बस इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी इस तरह दबा के इनके छोटे छोटे टुकड़े काट सकते हैं। ये देखें, इस तरह ये होना चाहिए। मैं इसे साइड पे करूँगी और एक बाउल लूँगी। बाउल में मैं हैवी व्हिपिंग क्रीम डालूंगी। क्रीम को अच्छे से चिल कर लिया था मैंने। और अब मैं इसको बीट करूंगी। 2 से 3 मिनट हम इसको बीट करेंगे और फिर मैं इसमें वनीला एसेंस डालूंगी 1 टीस्पून। साल्ट और इसे बीट करूंगी और बीट करते करते साथ ही मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके कंडेंस मिल्क डालती जाऊंगी और मैं इसको बीट करती जाऊंगी। बहुत ज़्यादा हमने इसको बीट नहीं करना, बस इतना बीट करना है कि क्रीम हमारी व्हिप्ड हो जाए। ये देखें, इस तरह क्रीम व्हिप्ड हो चुकी है। अब मैं इसे किसी एयर टाइट बॉक्स में डाल दूंगी। और प्लास्टिक कवर से मैं इसको कवर कर दूंगी, ऊपर इसका कवर दे दूंगी ताकि इसमें कोई क्रिस्टल्स ना बने। और ऊपर दोबारा इसके ऊपर फॉइल पेपर रख दूंगी और फॉइल पेपर से मैं इसको अच्छी तरह कवर करके फ्रीजर में रखूंगी 3 से 4 घंटे के लिए। 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, फॉइल पेपर हटाएंगे, कवर हटाएंगे और ये प्लास्टिक कवर भी हटा देंगे। अब मैं इसको दोबारा से बीट करूंगी, 2 मिनट तक बीट करूंगी और अब मैं इसमें ओरियो कुकीज़ डाल दूंगी। और स्पैचुला की मदद से हम इसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से हमने इसको मिक्स करना है। हल्के हाथ से मिक्स करने के बाद हम इसको उसी तरह कवर करेंगे जैसे हमने इसको पहले कवर किया था। प्लास्टिक कवर चढ़ाएंगे। ऐसा करने से आइसक्रीम में क्रिस्टल्स नहीं बनते। ये बच्चों को बहुत पसंद आती है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपने ये आइसक्रीम बनाई और आपको ये कैसी लगी। और इसको फाइल पेपर से कवर करके ओवरनाइट के लिए मैं इसको फ्रीज कर दूंगी। ओवरनाइट मैंने इसको फ्रीजर में रखा था। हम दोबारा से इसका कवर हटाएंगे, प्लास्टिक कवर हटाएंगे और इसको मैंने फ्रीजर से निकालने के बाद 2 से 3 मिनट ऐसे ही छोड़ दिया था ताकि आइसक्रीम इजीली स्कूप आउट हो सके। अब एक स्कूप की मदद से हम आइसक्रीम को स्कूप आउट कर लेंगे।
आप चाहें तो स्कूप को गर्म पानी में डिप करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह निकाल रही हूँ। ये देखें कितनी अच्छी और कितनी मज़े की आइसक्रीम रेडी हो चुकी है। ये बहुत टेस्टी बनती है। इंशाल्लाह मैं मज़ीद भी आइसक्रीम आपको बनाना सिखाऊंगी। आइसक्रीम हमने स्कूप आउट कर लिया, अब हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं कुकीज़ से। तो मज़ेदार आइसक्रीम हमारी रेडी हो चुकी है। ओरियो कुकीज़ भी एंड पे हम लगा देंगे, आप किसी तरह भी इनको डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखें ये कितनी सॉफ्ट और कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और नीचे दिए गए घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियों से नवाजे, अल्लाह ताला आपकी तमाम नेक ख्वाहिशात को पूरा करे, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।